ओवर थिंकिंग एंड पास्ट ट्रॉमाज ही मेन रीजन है जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप टूट चुका था। व्यूअर आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूं। आई गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब कि आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ बहुत गलत किया है एंड इस बात से वो बहुत ही ज्यादा गिल्टी हैं। मतलब उनका रिग्रेट का रेशियो बहुत हाई है एंड अगर दिन में वो 10 चीजों के बारे में सोचते हैं तो उसमें से 7 चीजें इसी बारे में हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना बुरा किया। यही बात वो अपने दोस्तों को भी बोलते हैं कि वो कितना शर्मिंदा है उनके किए पे। ऑनेस्टली आई फील आपका पर्सन बहुत ही ईगोइस्टिक एंड सेल्फ सेंटर्ड किस्म का इंसान है एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज इन अ बैड वे। मतलब उनका नेचर ही ये है कि वो केयर बिल्कुल नहीं करते हैं। मतलब दूसरों की फीलिंग्स को समझना या उनके लिए अपने कंफर्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करना ये सब आपके पर्सन को आता ही नहीं है एंड गलती पूरी उनकी नहीं है, दे आर जस्ट ब्रॉट अप दैट वे। आई फील एक चीज़ जो वो खुद को बोलते हैं वो ये कि वो कभी आपका बुरा नहीं चाहते, जो कि सच भी है। मतलब उन्होंने ऐसे इंटेंशनली आपको हर्ट करना नहीं चाहा था बट उन्होंने अपने नेचर की वजह से ऐसा कुछ कर दिया जिससे आप लोगों के रिलेशन एंड बॉन्ड में काफ़ी टेंशन आ गई एंड आप लोग सेपरेट हो गए। अभी एट दिस पॉइंट आपका पर्सन डरा हुआ है आपको अप्रोच करने के लिए। वो सोचते हैं कि उन्होंने जो भी किया उससे आप दोनों का कनेक्शन परमानेंटली एंड हो गया एंड आप शायद कुछ ठीक नहीं हो सकता। दे आर स्केर्ड कि उन्होंने आपको जितना हर्ट किया है उसके बाद शायद अब आप उनसे नफरत करते हो एंड शायद आप कभी उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो। आई ऑल्सो फील आपके पर्सन ने स्टार्टिंग से रिलेशनशिप बहुत कैजुअली लिया। दे थॉट कि ये कैजुअल रिलेशनशिप रहेगा बट विद टाइम वो आपसे अटैच्ड होते गए एंड आप तो अपना दिल उनको दे ही चुके थे बट उन्होंने कभी ज़्यादा केयर नहीं किया एंड ये प्रॉब्लम थी। आपने उनके लिए बहुत किया बट उन्होंने कभी वैसे एफर्ट्स नहीं दिए जो उनके एंड से आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ऐसे ये सब शुरू होता है उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस से। उनकी लाइफ में ऐसे लोग थे जिन्होंने उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया था शुरू से ही एंड ये रीज़न है कि वो आज ऐसे इंसान हैं। उन्होंने कभी आपसे इस बारे में ज़्यादा ओपन अप नहीं किया बिकॉज वो डरते थे कि शायद आप उनको जज करोगे बट अगर पास्ट में उन्होंने आपसे दिल खोलकर सारी बातें की होती ना तो डेफिनेटली आप उनकी तरफ हेल्प कर पाते एंड आज आप दोनों का बॉन्ड और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता। वो अपने किए पे बहुत पछताते हैं एंड इसीलिए वो ठीक से ओपन अप नहीं हो पा रहे। बाहर से आपका पर्सन ऐसा दिखाता है कि वो बहुत स्ट्रांग है एंड बहुत ब्रेव है बट अंदर से वो बहुत ही डरे हुए हैं। उनके दिल पे एक स्कार है, एक जख्म है जो कभी ठीक से हील ही नहीं हुआ और इसी वजह से उनके कमिटमेंट इश्यूज इतने ज़्यादा हैं। अभी इन द प्रेजेंट टाइम आपका पर्सन ये रियलाइज़ कर रहा है कि वो आपके लिए कितना स्ट्रांगली फील करते हैं। उनके दिल में आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल जगह है एंड वो ये जगह किसी और को देना नहीं चाहते। आप स्टार्टिंग से उनकी तरफ बहुत काइंड एंड एम्पथेटिक थे एंड इसी रीज़न से वो और भी ज़्यादा गिल्टी हैं कि आप जैसे एक अच्छे इंसान को उन्होंने हर्ट करा। वो बहुत शर्मिंदा है इस बात को लेकर एंड इसीलिए वो अपने दोस्तों से खुल के आपके बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं। मतलब हाँ ये सच है कि वो अपने दोस्तों से आपके बारे में काफ़ी बातें करते हैं बट पूरा ऑनेस्टली सब कुछ नहीं बोलते हैं, स्पेशली बिकॉज दे थिंक कि उन्होंने आपके साथ इतना गलत किया है जो अगर उनके दोस्तों को पता लगा तो वो भी शायद उनको जज करेंगे। उनका फर्स्ट इंस्टिंक्ट यही है कि वो आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं एंड इस बात के लिए वो अपने दोस्तों से एडवाइस लेते हैं कि वो आखिर आपके सामने आपको सब बोले तो बोले कैसे। उनका ईगो बहुत बड़ा है एंड इस बात से वो वाकिफ भी हैं बट इतने सालों से वो ऐसे ही हैं तो अचानक उनके लिए पूरा चेंज हो जाना इज डिफ़िकल्ट। ऐसे ही वो बस अपने दोस्तों से पूछते रहते हैं कि वो आपको किस लैंग्वेज में बताएं कि वो रिग्रेट करते हैं। आई फील आपके पर्सन ने एक मास्क पहन रखा था आपके सामने ताकि आप कभी ना समझ पाओ कि वो अंदर से कितने ज़्यादा टूटे हुए हैं, कितना ज़्यादा ब्रोकन है बट आपने वो डिटरमाइन कर लिया था
एंड इस बात की खबर आपके पर्सन को लग गई थी एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई वो और भी डर गए थे। वो अपने डिसकम्फर्ट में कंफर्टेबल थे बट आपने आकर उनका शेल क्रैक कर दिया और वो चेंज हो रहे थे। बट उनके ओवर थिंकिंग नेचर ने यहाँ आकर रुकावट लगा दी। आपका पर्सन ऐसी चीजें इमेजिन करने लगा जो कभी होती भी नहीं इन रियलिटी। उन्होंने इस पूरी सिचुएशन को ओवर थिंक करते करते और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें और पर्सनल रीडिंग के लिए आप ऊपर देख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आई फील आपका पर्सन आपको बहुत ही स्पेशल कंसिडर करता है और वो सोचते हैं कि वो आपको डिजर्व ही नहीं करते एंड आपके लिए वो एक अच्छे मैच बिल्कुल नहीं है। उन्होंने आपको जैसे भी ट्रीट किया हो, आप हर वक्त उनकी तरफ बहुत ही काइंड थे एंड यही बात कांटा बन के आपके पर्सन को आज भी चुभती है कि उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करा, फिर भी आपने उनको इतना अच्छे से समझा, उनकी केयर करी। शायद इस बात का गिल्ट उनको सबसे ज़्यादा है। सबसे बड़ा इशू यहाँ पे यही है कि वो किसी के साथ भी अपना पेन शेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनका जजमेंट और भी ज़्यादा क्लाउड हो रहा है। उनके दोस्तों से भी वो हाफ हार्टेडली सब बोल रहे हैं एंड इसी रीज़न से उनके दोस्त भी समझ नहीं पा रहे कि वो करें तो आखिर क्या करें। ओवर थिंकिंग एंड पास्ट ट्रॉमाज ही मेन रीज़न है जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप टूट चुका था। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपके पर्सन को टाइम की ज़रूरत होगी एंड बहुत सारे करेज की ज़रूरत होगी टू कम अप टू यू एंड से द ट्रूथ। आई सेंस कि आपका पर्सन आपसे एट दिस पॉइंट ये कन्वे करना चाहता है कि वो अपना दर्द छुपा रहे हैं बिहाइंड देयर स्माइल। वो अपने काम में अपने आप को बिजी रखते हैं टू अवॉइड देयर फीलिंग्स। वो आपसे ये भी कन्वे करना चाहते हैं कि वो धीरे धीरे आप लोगों का कनेक्शन समझ रहे हैं। उनको थोड़ा टाइम चाहिए होगा टू अंडरस्टैंड इट टोटली, बट वो इस पर काम कर रहे हैं एंड चीज़ें समय के साथ बेटर हो जाएंगी। आई फील वो यूनिवर्स से एक साइन के लिए भी वेट कर रहे हैं। वो बहुत डरे हुए हैं आपके सामने आकर सच बोलने के लिए। वो यूनिवर्स की साइड से एक हिंट के लिए वेट करेंगे ताकि वो भी एश्योर हो जाएं इस रिश्ते को लेकर। आई फील वो आपसे प्यार करते हैं एंड ये बात भी वो आपको बोलना चाहते हैं, बट वो सोचते हैं कि शायद आप उनके सिवा ही ज़्यादा खुश हैं, मतलब शायद यू विल बी बेटर ऑफ विदाउट देम। लास्टली आई फील वो ये भी आपसे बोलना चाहते हैं कि आपको वेट करना होगा ताकि सिचुएशन थोड़ा सेटल हो जाए एंड वो थोड़ा अपने ट्रॉमास को हील करें एंड देन मे बी देर वोंट बी एनी बैरियर्स एनी मोर। आपका पर्सन सोचता है कि आप शायद उनके लिए थोड़े ज़्यादा ही अच्छे हो एंड शायद वो ये डिजर्व नहीं करते। आपका प्यार उन्हें एक सेटिस्फैक्शन देता है, उनके दिल को फुलफिल करता है। वो चाहते हैं कि आप उनके बनकर सारी जिंदगी उनके साथ रहें, बट ये कहने से वो डरते हैं। वो सोचते हैं कि क्या आप कभी भी उनके साथ वापस बॉन्ड बनाना चाहोगे आफ्टर व्हाट दे डिड विद यू। ये सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में हमेशा चलते रहते हैं एंड उनको काफ़ी परेशान भी करते हैं। वो आपके साथ खुश होना चाहते हैं, आपके साथ पूरी दुनिया देखना चाहते हैं, बट दे जस्ट डोंट नो इफ दैट इज पॉसिबल आफ्टर व्हाट दे हैव डन टू यू। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आपको आज क्या एडवाइस करना चाह रहा है। प्रेशियस टाइम यूनिवर्स आपको एडवाइस देना चाहता है कि आपके पर्सन ने जो आपके साथ किया है, जितना भी आपको हर्ट किया है एंड आपको अवॉइड किया है, उससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। मतलब दे आर जनरली लाइक दिस ओनली। आपको ये टाइम एक्सपीरियंस करके इससे गुजरना ही होगा। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस रीजन से ये सब हुआ, वो बस जनरली डरे हुए थे एंड उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया। अभी जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि आप दोनों जब भी बात करो, मैच्योर होके सिचुएशन को समझ के बात करो। आप तो सब समझ जाओगे बट आपका पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा वही एक बड़ा क्वेश्चन है। बट उसमें अभी टाइम है बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट सिचुएशन। अभी आपके पर्सन को अपनी हीलिंग जर्नी में बहुत आगे तक जाना है, तभी जाकर सब कुछ ठीक हो पाएगा।
जस्ट गिव इट सम टाइम एंड ऑल विल बी जस्ट फाइन। वो आपको क्या सब बताना चाहते हैं जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस नेक्स्ट टैरो रीड में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन ब्लेस यू।